सिपा सलार जी आलीशान, ये 3 लाख रुपए है। लाख रुपए की आपने इस लेकर आनी है और लाख रुपए की आपने उस लेकर आनी है और लाख रुपए की आपने ना इस ना उस लेके आनी है। ये पैसे हैं, ले जाओ। अगर आपने ये काम ना किया तो आपके दोनों हाथ में काट दूंगा। अगर आपने ये काम मुकम्मल किया तो आपको सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। ये पैसे हैं और जल्दी करो, मेरा काम करके आओ। जो हुक्म आलीशान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे ना 1 लाख की इस चाहिए। इस क्या चीज होती है? इस चाहिए भाई, इस। सिपा सलार, आपका दिमाग खराब है? जाए आप ना काम करें। ओ यार, बादशाह ने फंसा दिया है, बहुत मुश्किल काम दिया है, अगर ना किया तो हाथ काट देगा। ओह नो, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई, मुझे ना 1 लाख की उस चाहिए। उस क्या चीज होती है भाई? उस चाहिए, उस। हमारा दिमाग तो नहीं खराब, क्या अपना काम कर। इधर से भी नहीं मिली। ओह माय गॉड, मुझे तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया यार। अगर ना मिली तो हाथ काट देगा, फंस गया हूँ। मिट्टी दा बंदा तू, आज मिट्टी दे उत्ते तू, कल मिट्टी दे थल्ले तू। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, मुझे बादशाह सलामत ने भेजा है कि 1 लाख की उस लेकर आओ, अगर ना ली लेके आए तो मेरे हाथ काट दे। हाँ मैं समझ गया, ले देता हूँ। ओह या, आओ। बेटा जी। बाबा, 1 लाख की जमीन है। अच्छा, सलाम अलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, मुझे ना 1 लाख की जमीन चाहिए, मिल जाएगी? मिल जाएगी। Ooh, yeah. Oh my god. ये ब्राउड आप ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बच्चे इसको 1 लाख रुपया दे दो। पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो पैसा भी, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पैसा दी बरसात रे। चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल चूलो, पापी चूलो चूल। बेटा इस बुजुर्ग को 1 लाख रुपया दे दो। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। कौन सी? पैसे भी मैंने लगा दिए सारे, खर्च कर दिए जी, और जो बादशाह साहब ने मुझे कहा है वो चीजें भी नहीं खरीदी है। बच्चे जो तुमने जमीन खरीदी है वो इस जान के लिए, जो तुमने बुजुर्ग को पैसे दिए हैं वो उस जान के, जो तुमने गाने बजाने वाले पर 1 लाख फेंका है वो ना उस जान के लिए ना इस जान के लिए। अच्छा, अब मुझे समझ आया। हाँ, बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका, ठीक है, समझाने का।